बांग्लादेश में फैली हुई अव्यवस्था अब समाप्त होने की स्थिति पर पहुंचने लगे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज पड़ोसी देश में अंतरिम सरकार शपथ लेने वाली है। मोहम्मद यूनुस ने कल बुधवार को हिंसा को देखते हुए सभी से शांति की अपील भी की। शेख हसीना के पीएम पद को छोड़कर जाने के बाद ही बांग्लादेश में आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि पेरिस में इलाज करवाने के बाद ढाका लौटे, उन्होंने फ्लाइट में बैठने से पहले कहा कि मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं, कृपया किसी भी तरह की हिंसा से बचें। मैं ये देखने के लिए घर वापस जाने का इंतजार कर रहा हूं कि वहां क्या हो रहा है और हम जिस तरह की परेशानी में हैं उससे बाहर निकलने के लिए खुद को किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। मोहम्मद यूनुस जिन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। दरअसल बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने ढाका में कहा कि यूनुस के देश लौटने के बाद गुरुवार रात अंतरिम सरकार शपथ लेगी। उन्होंने कहा कि तीनों सेना प्रमुखों, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजनीतिक दलों के नेताओं और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले छात्रों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार या कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के तौर पर चुना गया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने कहा कि मैंने प्रोफेसर यूनुस से बात की है, मुझे लगा कि वो इस काम को करने के लिए उत्सुक हैं और मुझे यकीन है कि वो हमें एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर ले जाने में सफल होंगे, इससे हमें फायदा होगा। उन्होंने आगे लिखा कि वो गुरुवार दोपहर तक लौट रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख उनकी मदद करेंगे, मुझे यकीन है कि सभी राजनीतिक दल और छात्र संगठन उनकी मदद और सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यवाहक सरकार में लगभग 15 सदस्य होंगे, जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि सरकार में सेना की भूमिका सहित अन्य विभागों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रिपोर्ट से पता चला कि यूनुस महत्वपूर्ण विदेशी मामलों के पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि हालातों का जायजा लिया गया है, उम्मीद है कि जल्द ही सभी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को भारत से भी शिकायत है और उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र का दमन करने के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना के साथ ही भारत को भी जिम्मेदार ठहराया। हालांकि भारत को इससे खास चिंता नहीं, भारत की असली चिंता यूनुस के नेतृत्व में गठित होने वाली अंतरिम सरकार के दूसरे सदस्यों को लेकर है। जो सूचनाएं ढाका से आ रही हैं उससे साफ है कि अंतरिम सरकार में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी की तरफ से इसमें बड़ी हिस्सेदारी लेने की कोशिश हो रही है।